नेक्स्ट है आज का डांस सेगमेंट, ये 3 पॉइंट्स का है। ये किसी भी टीम को काफी आगे और दूसरी टीम को काफी पीछे कर सकता है। मैं बताता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर डांस करने कौन आएंगे। आएंगे जनाब टिकटॉकर्स की तरफ से हुसैन आएगा, दूसरे नंबर पे यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स की तरफ से बलाज की बारी है आज, तीसरे नंबर पर चैंपियंस है उमेर आएगा और इंस्टाग्रामर्स की तरफ से अब्दुल बासित आएगा। आओ भाई हुसैन, स्टार्ट करेंगे आपके साथ। आइए प्लीज थोड़ा सा आगे जाइएगा। रेडी गो हुसैन। तुम्हारे और मेरे घर के बीच में हिलारिया टलारिया टलारिया, तुम्हारे और मेरे घर के बीच में हिलारिया टलारिया टलारिया, यहाँ सुनेगा नहीं कोई पुकार, ये हिलारिया टलारिया टलारिया, तुम्हारे और मेरे घर के बीच में हिलारिया टलारिया टलारिया। भाई जान ये क्या बच्चे को सुला रहे थे बीच में, तुम क्या कर रहे थे यार। चलो भाई जबरदस्त। नेक्स्ट कौन है, बलाश में आओ जल्दी से। रेडी गो गाइस। बुरा न मन न लुक मेरी गनदा, मेरे चुनी होंड मेरा जोर चलदा, बुरा न मन न लुक मेरी गनदा, मेरे चुनी होंड मेरा जोर चलदा, कोई कण कण जट कण बिन सारे मेनू वन मन जटन लटोलदा, मैंने बोल दे मैंने बोल दे तुम्हारे और मेरे घर के बीच में हिलारिये टलारिये टलारिये, तुम्हारे और मेरे घर के बीच में हिलारिये टलारिये टलारिये, ओ यहाँ सुनेगा नहीं कोई पुकार, हिलारिये टलारिये टलारिये, तुम्हारे और मेरे घर के बीच में हिलारिये टलारिये टलारिये। जबरदस्त। असल में बराज के साथ मसला ये हुआ था, इसने पहले गाने में सारा डांस खत्म कर लिया था, उसके बाद कोई याद ही नहीं आ रहा था कि डांस कहाँ है, मेरे जहन में क्या था, मैं क्या करने वाला था। बारी आ गई उमेर की। रेडी गो गाइस। ये लारी अड्डा कब से आया तुम्हारे घर के बीच में भाई, ये वाला खैर नहीं भाई, ये जल्दी से बारी आ गई अब्दुल बासित की। रेडी गो गाइस। पूरन मनन लुक मेरी गनदा, मेरे चली होन मेरा चोर चलदा, पूरन मनन लुक मेरी गनदा, मेरे चली होन मेरा चोर चलदा, कोई गल कर जट कन बिन थारे मेनू मन मेरी जट डर डोलदा, मैंने बोल मैंने बोल दी होन को मैंने बोल दी मेरे बहुत
वाला भाई अब्दुल वासित। चलो भाई डिसाइड करेगी मेरी टीम, पहले बताइए सबसे बेहतर इनमें कौन था जी? जी जी हमें हम लोगों ने सब में जो देखा है वो चैंपियंस में अपना हमारे उमेर ने बहुत अच्छा डांस किया है जी, टेम्पो में था और बहुत एनर्जेटिक परफॉर्मेंस कर रहे थे। बाकी हमारे अब्दुल बासित जो हैं इन्होंने भी अच्छे स्टंट्स किए हैं और हमारे बलाज की तरफ से भी अच्छे स्टंट्स आए आज जी। हुसैन ने भी अच्छी कोशिश की है लेकिन रिदम आउट था इन लोगों का सबका, सबसे ज़्यादा रिदम में जो थे वो चैंपियंस में से उमेर थे, उमेर थे। बाकी स्टेप्स वगैरह आप ज़्यादा गौर से, हाँ जी मैं वही बताने लगा था कि बज़ाहिर दिखने के अंदर तो उमेर ज़्यादा बेहतर लग रहा था लेकिन उमेर की परफॉर्मेंस तकरीबन 70% वो थी जो उमेर करता ही आया है, तकरीबन स्टेप्स वही थे जो उमेर करता आया है। इसके 80% स्टेप्स जो थे वो नए थे, दूसरे थे, प्लस जो इसने एक बीच में स्टंट किया था, एक स्टंट जो था तुम्हारा वो नया वाला, एक हाथ पे जो तुमने किया था वो भी नया था मेरे हिसाब से। दिखने में एनर्जी मुझे ज्यादा लग रही थी उमेर की लेकिन ये वही डांस है जो ये कई बार रिपीट कर चुका है जी, बिल्कुल वहीं पर जो एक्स्ट्रा पॉइंट जाएंगे सबसे पहले वो होते हैं नए कोई से भी ऐसे स्टेप के जो तुम लोगों ने पहले परफॉर्म ना किया हो, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल भी होना चाहिए। तुम्हारे स्टेप्स दिखने में उतने मुश्किल नहीं लग रहे थे लेकिन अगर दूसरी तरफ से आए ही वो स्टेप्स जो उमेर करता आ रहा है तो ऑब्वियसली इसका फायदा जाएगा दूसरी टीम को, 3 points जाएंगे इंस्टाग्रामर्स के साथ, 1 point जाएगा चैंपियंस के साथ, हो जाएगा। ये 3 points जीते इंस्टाग्रामर्स ने। इमरान जो है वो बाकायदा मेहनत कर रहा है अब्दुल बासित पे और वो नजर आ रही है मेहनत कि उसको नए नए स्टेप्स बता रहा होता है वो। ये तुम सबको करना पड़ेगा, जिसने भी सीखना है अगर बोलोगे तो इमरान तुम लोगों को भी वैसे ही सिखा देगा जैसे अब्दुल बासित को सिखा रहा है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।